तुमने हमारे जवानों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया है और अब हम आतंकवादियों के भस्म से महाशिवरात्रि मनाएंगे। अब तांडव होगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं कुछ व्यूज़ कमाने के लिए या तो कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सो दूर जो इंडिया में चल रहा है हुआ है अपने जवानों के साथ, सो बहुत ही गलत हुआ है। सो दूर मैं अभी कैंडल मार्च पे जा रहा हूँ जो हमारे एरिया में किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वहाँ चलते और देखते। सो अपने इंडिया के साथ जो भी हुआ ऐसा होना नहीं चाहता, बहुत गलत हुआ है। तो जिसने भी ये किया उनको तो सज़ा मिलेगी। तो चलो अभी कैंडल मार्च पे जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने। तो चलो जाते। सब लोग को पता है कि ऐसे मोहब्बत वाले दिन हमारे देश में ऐसा चीज़ हो चुकी है 14 फरवरी भी, जो अभी ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे 40 जवान शहीद हुए, ऐसा होना तो चाहिए नहीं था। और अभी अभी न्यूज़ में लिखी और दो एक मिनट लगा दिया रास्ते पे चल रहा इसलिए एक मिनट। तो अभी अभी मेरे को पता चला कि 42 अभी दो जवान भी शहीद हुए। तो मेरे ख्याल से तो अभी फिर से अपने इंडिया को सर्जिकल स्ट्राइक चालू करना चाहिए, बिकॉज अगर हम सीरियसली नहीं लिए ना तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तो कुछ ना कुछ एक्शन उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, कुछ हमें जाके देखते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। एवढा मोठा हिंदुस्तान खड्यात गेला पाकिस्तान, एवढा मोठा हिंदुस्तान खड्यात गेला पाकिस्तान, एवढा मोठा हिंदुस्तान खड्यात गेला पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुन ले बेटा हिंदुस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
चलो हम बात करते हैं उस व्यक्ति से जिसने कार्यक्रम आयोजन किया है, विशाल लश्करे। चलो बात करते हैं उससे, चलो बात करते हैं इससे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले मैं जो पुलवामा में कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ देश के ऊपर, उसकी मैं तीव्र निंदा करता हूँ। और मेरे पूरी तरफ से, मेरे पूरे अंबेडकर जनता के तौर से, समाज के तौर से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ उन पूरे 40 जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और हम पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, हम उनके पूरे परिवारजनों के दुख में यहाँ पे शामिल हैं। उनको मैं मेरे पूरे विद्यार्थी संगठन के तौर से, पूरा रिपब्लिकन पक्ष के तौर से, यहाँ पे हमने आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनके साथ में पूरा हमारा हिंदुस्तान, पूरा भारत देश खड़ा है, ये मैं आपको यहाँ पे गवाही देता हूँ। और मैं फिर से एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और मेरा सबसे नमन करता हूँ। जय हिंद। तो जैसे कि आपने देखा, एक छोटा सा कैंडल मार्च हमारे एरिया में हुआ, तो इस दिन को हम कभी तो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दिन हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं। 14 फरवरी तो इंडिया का एक ब्लैक डे करके माना जाएगा अभी, तो इस चीज़ को लेकर हम लोग को बहुत अफसोस है और होएगा हमेशा। तो ये वीडियो को गलत वे में मत लेना कि मेरे को ये व्यूज़ के लिए कमाना या तो पैसे के लिए। तो ऐसे वीडियो मैं ऐसे ही बनाया, अपना एक फीलिंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दो।